चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ईएलपी में तो ऐसा कुछ खास था नहीं डिस्कशन का, या चलो निकाल तो लो एक बार देख लेते हैं। ईएलपी रखी होगी वर्क पावर की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ले आना, उधर भी रखवा देना। ईएलपी 5 में अपन बात कर रहे हैं, पांच में 5 नंबर। यार तुम तो हल्के माल हो फिर, सस्ते हर माल 5 रुपए। बेकार, घटिया। देखना, बात को समझना, हमारे पास दो सिचुएशन है। उधर वाली भी गायब हो गई, इस रूम में भी नहीं है। चलो कोई ना, सेम क्या, ठीक है, 4-5 डलवा देना, उधर के रूम में भी रख देना यार, वो ढूंढनी पड़ती है, बच्चे देते नहीं है, बहुत गंदे। अरे भाई मैंने हर ड्रॉर में ऊपर इधर 3 जगह छुपा रखी थी, तीनों गायब हो गई। चलो देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझना। चलो मैं पहले साइड्स आपको समझा देता हूं। यहां पर बेटे क्या करना है कि एक तो ये वाली चीज जो है ना, ये इसकी साइड सी है, ये वाली इसकी साइड बी है, और ये सबसे बड़ी वाली साइड ए है। और हमने कल एक बात की थी, हमने चेन वाले क्वेश्चन किए थे, रॉड वाले क्वेश्चन किए थे, और मैंने एक चीज कही थी कि बेटे जब कभी भी इस तरीके से कोई बड़ी सी बॉडी होगी ना, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हम उनके कंप्लीट मास को सेंटर ऑफ मास पर मानें। और मैं आपको समझा भी रहा था, मैंने इस एग्जाम्पल को यूज भी किया था, मैंने कहा था कि बेटा जब यहां पर इस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज की बात आएगी, जैसे ये बॉटल यहां पर ऐसे रखी हुई है, इस अभिविन्यास को परिवर्तित करके जब मैं यहां पर ऐसे करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे इस अभिविन्यास को परिवर्तित करने के लिए कुछ बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमने लिखा था कि वही बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, जबकि गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन, इज इक्वल टू डेल्टा यू, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर डेल्टा यू। और यहां पर भी वो यही कहना चाहता है कि ये इस तरीके की एक स्लैब है, एक पट्टिका है, जो पहले आड़ी ऐसे रखी हुई है, और हम चाहते हैं कि इसकी स्थिति ऊर्जा, इसको ऐसे अरेंज किया जाए कि इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाए, मैक्सिमम। और यहां पर मैं तीसरी स्थिति भी एक बार बना के बता ही देता हूं आपको। अब ये वाली साइड जो है बेटा, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सी, ये वाली साइड को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डी, और ये वाली साइड फिर से ए। यानी इसको रखने के 3 तरीके हो गए, इसमें ये वाली साइड सी, ये वाली साइड हमारी डी, और ये वाली साइड हमारी ए। इसको जमीन पर रखने के 3 तरीके हो गए।
जब हम बात कर रहे हैं कि यार मुझे तो क्या करना है, मुझे इसे तीनों परिस्थितियों में रखते हुए देखना है और इसकी न्यूनतम स्थिति ऊर्जा धरातल पर रखने के बाद और अधिकतम स्थिति ऊर्जा धरातल पर रखने के बाद उन दोनों स्थिति ऊर्जाओं का क्या निकालना होगा अंतर, क्योंकि क्वेश्चन यही चाहता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर अपन पढ़े, इसमें लिखा है कि जब आप इसे स्लोली न्यूनतम स्थिति ऊर्जा वाली स्थिति से अधिकतम ऊर्जा वाली स्थिति पर लेकर जाते हैं, स्लोली मतलब बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के, तो अपने को कितना कार्य यहां से रिक्वायर्ड है। तो अगर ये धरातल है बेटा, ये ग्राउंड है ये चीज, तो यहां पर अब इस स्थिति में इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एम जी इंटू इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा, और इस स्थिति में अगर ये धरातल है तो स्थिति ऊर्जा हमें कहां से कहां रखना है, न्यूनतम से अधिकतम, और न्यूनतम न्यूनतम यानी mgc by 2। तो हम क्या करते हैं, w external is equals to delta u, delta u मतलब u final minus u initial, और हमें यहां पर पता करना है कि मिनिमम से मैक्सिमम, और मैक्सिमम कौन सा वाला है mga by 2, और मिनिमम बस यही अपना w external। समझे, कोई दुख हो तो बोल दो अभी। चलिए तो इसके आगे बात करते हैं अपन। हाँ क्या हो गया, ईएलपी नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 तक में कोई समस्या, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 8वें को आज अपन थोड़ा सा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण पढ़ते हैं, मैं वहां से फिर से समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद दोबारा ट्राई कर लेना एक बार 8वां। फिलहाल 7वां बता दें, 7वें जैसे सवाल अपन ने कल क्लास में किए थे, प्रोसेस सेम रहेगी बेटे। अब आप कैलकुलेशन मेरे से करवाना चाहते वो बात अलग है, करनी जब को आपको खुद को चाहिए कैलकुलेशन, मेरे से करवाएंगे कुछ नहीं होगा उससे। आपका काम यहां पर यह है कि आप U स्थिति ऊर्जा को कहते हैं A अपॉन R की घात 12 माइनस B अपॉन R की घात 6, और अपने को बोला जा रहा है तो संतुलन की स्थिति, ये संतुलन से बेहतर शब्द यहां है साम्य अवस्था की स्थिति, कि साम्य अवस्था की स्थिति में स्थिति ऊर्जा कितनी है। तो साम्य अवस्था के लिए पहले क्या करेंगे बेटे, बल निकालेंगे, हाँ के ना, ये बल हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, इसका अवकलन कितना होगा, ए अपनी जगह रहेगा, आर की घात माइनस 12 बनेगा, माइनस 12 आगे आ जाएगा और आर की घात माइनस 13 हो जाएगा, जो नीचे लाकर वापस आर की घात प्लस 13 लिख दिया जाएगा। फिर यहां पर ये माइनस अपनी जगह, ये बी यहां पर सुरक्षित अपनी जगह, आर की घात माइनस 6 और माइनस 6 घात आगे आएगी तो ये माइनस का प्लस, और यहां पर आर की घात माइनस 7 ऐसा हो जाएगा, और ये बराबर जीरो कर देंगे हम। और इसको जीरो करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है, ताकि हम साम्य स्थिति निकाल लें, कि साम्यावस्था किस स्थिति आर पर आ रही है, वो आर मुझे पता लग जाए। तो जैसे ही मैं यहां पर दोनों की बात करता हूं तो मैं दोनों को बराबर जीरो करूंगा, तो मैं लिख सकता हूं 6b अपॉन r की घात 7 बराबर, ये माइनस वाला इधर आके प्लस 12a r की घात 13 हो जाएगा, 6 से 12 दो बार कट जाएगा, ये r की घात 7 से r की घात 13 r की घात 6 बार कट जाएगा, r पावर 6 इज इक्वल्स टू 2a/b। तो अगर मुझसे पूछा जाता कि साम्यावस्था किस जगह आ रही है, तो पता है आंसर क्या होता, 2a/b की घात 1/6। पर मुझसे पूछा जा रहा है कि साम्यावस्था वाली स्थिति पर स्थिति ऊर्जा क्या है, तो मैं स्थिति ऊर्जा साम्यावस्था पर पता करने के लिए पता है क्या करूंगा, r पावर 6 जहां जहां नजर आ रहा है वहां क्या लिखूंगा, तो देखो ध्यान से, a अपनी जगह रखा हुआ है, और r पावर 12 का मतलब पता है क्या होता है, r पावर 6 का स्क्वायर, और यहां पर माइनस लगा के b/r/6, तो यहां पर a अपनी जगह रहा और r पावर 6 का पूरा मान कितना है बेटा, 2a/b, इसका क्या करना है मुझे, स्क्वायर, और माइनस b/2a/b।
इसको सॉल्व कर लेना, यहां से तो कम से कम खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 तो आप कर लेंगे, अब इसको मत पूछ लेना। 10 बता दिया, 11 हो जाएगा, 12 चेन वाला है, हो जाना चाहिए, 13वां पूछ रहा है कोई, 13वें में एक बार मैं पढ़ लेता हूं, हो सकता है हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो। स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं वैसे, के के साथ एक स्प्रिंग जब 1 सेंटीमीटर से संपीड़ित है तो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर से संकुचित किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है। चलो ध्यान से सुनो, इसमें क्या करना है, करेक्शन। करेक्शन क्या करना है मैं बताता हूं। स्प्रिंग नियतांक, स्थिरांक को काट के नियतांक करो, पूरा क्वेश्चन ही अपन एक्यूरेट कर लेते हैं। स्प्रिंग नियतांक के साथ एक स्प्रिंग जब 1 सेंटीमीटर से संपीड़ित होती है तो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U होती है, तो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U होती है, तो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा U होती है। यदि इसे 3 सेंटीमीटर संकुचित किया जाता है, ये से हटा दो, यदि इसे 3 सेंटीमीटर संकुचित किया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है, और आंसर यहां से आना चाहिए 8U, है ना, नहीं 15 नहीं बेटा, 0। यहां पर क्या कहा जा रहा है गौर से सुनिएगा कि ये हमारी एक स्प्रिंग इस प्रकार से है और ये कोई भी एक द्रव्यमान है, जो भी कोई है, सुनना। पहले क्या कहा जा रहा है बेटा, यहां पर स्प्रिंग को कितना संकुचित किया गया, 1 सेंटीमीटर। स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक क्या लिख दूं, के। तो मैं क्या लिख दूंगा, स्थितिज ऊर्जा जो संचित होगी वो हो जाएगी 1/2 K 1 सेंटीमीटर का। यदि इसे 3 सेंटीमीटर संकुचित किया जाता है तो जो भी संकुचन है मैं यहां से मान रहा हूं, यदि इसमें लिखा होता, यदि आगे इसे 3 सेंटीमीटर और संकुचित किया जाता है तो फिर मैं यहां पर यह संकुचन यहां से कितना लेता, 4। इसमें लिखा है साधारण जो शब्द लिखे हैं, यदि इसे 3 सेंटीमीटर से संकुचित, अगर इसमें लिखा होता ना 3 सेंटीमीटर आगे और संचित किया, इसको संकुचित किया जाता है तो मेरा कुल संकुचन 4 गिना जाता। तो फिलहाल अगर यहां पर यह संकुचन 3 है तो आप जानते हैं कि यू डैश जिसको अगर मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा बेटे, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और आप समझते हैं कि अगर यहां 3 गुना विस्तार या संकुचन है तो यू डैश कितना हो जाएगा, 9U हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा, तो डेल्टा यू बराबर यू डैश माइनस यू। तो ये जो शब्द है ना, आगे इसे इतने से और विस्थापित करते हैं या संकुचित करते हैं या खींचते हैं तो तब जाके जुड़ेगा। तो फिलहाल ऐसे सवालों में जब भी बात हो आप उसको कुल यानी इस नेचुरल लेंथ से ही संकुचन मानेंगे, 3 नेचुरल लेंथ से ही मान के इस सवाल को करेंगे। आंसर अगर इसमें गलत भी है तो आप सही कर लेना, आप इसमें 8U देंगे आंसर बेटा। फिलहाल हो सकता है अंग्रेजी में शब्द कुछ अलग लिखा हो, ट्रांसलेशन में गड़बड़ हुआ हो, वो भी मैं चेक करके बता देता हूं। चलिए इंग्लिश की ELP भी है अपने पास, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सटीक शब्द इसमें लिखा है। इसमें लिखा है इफ इट इज, देखो इसमें कहा है कि पहले स्प्रिंग कंप्रेस्ड है 1 सेंटीमीटर से, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के व्हेन कंप्रेस्ड बाय 1 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इसमें
इफ इट इज फर्दर कंप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो फर्दर का हिंदी में अनुवाद होता है आगे और इसे 3 सेंटीमीटर कंप्रेस किया जाता है, तो इसका मतलब इंग्लिश के हिसाब से तो ये जाएगा 4, यानी 15 यू आंसर आएगा, पर जो हमारे हिंदी में लैंग्वेज लिखी है उसके हिसाब से 8 यू देंगे। चलिए 15वें में यहां पर कहा जा रहा है, एक बल स्थिरांक के का स्प्रिंग पहले प्राकृतिक लंबाई से ए दूरी है, प्राकृतिक लंबाई से ए दूरी, मैं पढ़ लेता हूं पूरा, बल स्थिरांक के का स्प्रिंग पहले उसकी प्राकृतिक लंबाई से ए दूरी, क्या है सुन लो मैं करेक्शन लिखवा देता हूं, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज फर्स्ट स्ट्रेस्ड बाय डिस्टेंस ए, एक बल स्थिरांक के का स्प्रिंग पहले उसकी प्राकृतिक लंबाई से ए खींचा जाता है, प्राकृतिक लंबाई से ए खींचा जाता है, फिर इससे आगे, फिर इससे आगे बी और खींचा जाता है, फिर इससे आगे बी और खींचा जाता है, ठीक है, फिर इसके बाद सही है, तो बी वाला भाग खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, डिस्कस क्या आप खुद ही बता देना साथ के साथ, तो देखो यहां पर ये क्या करना है, ये पहले स्प्रिंग और कितना संकुचन पहले से मान रखा है बेटा, एक्स इनिशियल क्या लिख दूंगा ए, फिर क्या करना है यहां से इसे, तो अगर मैं कहना चाहूं कि एक्स फाइनल क्या होगा तो बोलो ए प्लस बी, हाँ के ना, और हमें कौन सा कार्य ज्ञात करना है, इस ए से इस बी वाले आगे के संकुचन का, ये वाला कार्य हमें ज्ञात करना है, यानी मुझे x इनिशियल से x फाइनल ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है वो बताना है, और उसका फॉर्मूला क्या है, आपके x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, हो पाएगा, और कोई है इसमें मल्टीपल्टी लैंग्वेज वाला, किसका, इसमें 5वें, डन, कोई समस्या है तो देख लेना फिर भी और कल पूछ लेना। ईएलपी 6 में क्वेश्चन नंबर 9-10 में कोई डाउट, 10 वाला, 9 में एक रॉकेट है और 5 के त्वरण से ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपण के प्रारंभिक बल की गणना करें, बेटे प्रक्षेपण का बल बहुत सिंपल सी बात अपन यहां पर कहते हैं कि जब ये रॉकेट यहां से चलना शुरू करेगा तो इस रॉकेट पर ऊपर लगे बल क्या हो जाएंगे, v रिलेटिव dm बाय माइनस बराबर, और जब ये कहां से चलना शुरू करता है, ऊपर की ओर, अभी अपन ने धरातल से प्रक्षेपित किया है तो ऊपर की ओर प्रारंभिक बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन है, v रिलेटिव dm बाय dt, अपने को इस बल की बात करनी है, तो v रिलेटिव dm बाय dt अगर मुझे ज्ञात करना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाकर क्या लिख दूंगा, एम जी प्लस ए, जी प्लस ए कितना हो जाएगा 15, और मास कितना दिया है रॉकेट का 2000, तो 2000 इंटू 15, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जो भी आ जाएगा। क्वेश्चन 10 पूछना चाह रहे हैं, नत तल के ऊपर एक पिंड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक बल पिंड को नीचे फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल का 2 गुना है, यार ऐसा तो क्लास में भी किया था भाई यार, नत तल पर ऊपर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल को हमने क्या कहा था बेटे, F1 उसको बोल दूंगा ऊपर खींचने के लिए, और वो क्या लिखा था अपन ने, mg sin थीटा प्लस म्यू mg
cos थीटा। और नीचे फिसलने से रोकने के लिए जो आवश्यक बल है उसे हमने क्या कहा था, mg sin थीटा माइनस म्यू mg। और ये क्या कह रहा है, नीचे फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल से दुगुना है, यानी F1 जो है वो F2 का दो गुना है। सॉल्व कर लेना F1 F2 के मान रख के। क्वेश्चन 11, 12, 13 में करेक्शन हुए आंसर में, कितना आ रहा है 2 न्यूटन। और कोई 13वें में करेक्शन आंसर में है 2 न्यूटन आएगा। हाँ अबे जुगनू 12वां पूछ रहा है, इसमें क्या बोला है, विराम से शुरू करके एक पिंड घर्षण की अनुपस्थिति में समान दूरी पर फिसलने में लगने वाले समय से दोगुने समय में क्या कहता है, थोड़ा शांति से पढ़ते हैं। विराम से शुरू करके एक पिंड घर्षण की अनुपस्थिति में समान दूरी पर फिसलने में लगने वाले समय से दोगुने समय में 45 डिग्री नत्तल से नीचे खिसक जाता है, पिंड और झुके हुए तल के स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ब्लॉक स्लाइड्स डाउन। ये उल्टी कन्वर्सेशन, मतलब ये जो है ना कन्वर्ट करते हैं, सही नहीं करते यार। इसमें बोला है कि अगर 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन है और यहां पर अपन रेस्ट से शुरू कर रहे हैं, u जीरो है और ये 45 डिग्री का इंक्लाइन प्लेन बोला गया है, और ये टेक्स ट्वाइस द टाइम इट टेक्स स्लाइड डाउन द सेम डिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। पहले यहां पर फ्रिक्शन है, पहले यहां पर रफ सरफेस है, और बाद में यहां पर इस कंडीशन में जो बात कर रहा है ये स्मूथ के साथ बात कर रहा है। जब फ्रिक्शन के साथ ये नीचे सरक कर आएगा तो बेटा बताओ त्वरण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर त्वरण होना चाहिए g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और ये दूरी यहां से यहां तक की नत्तल की जो कुल दूरी है उसको अपन क्या मान ले, समान मान लेते हैं, बस अंतर है घर्षण का और बिना घर्षण का। तो यहां पर प्रारंभिक वेग जीरो होने के कारण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगता है ना बेटा, और ये u जीरो है तो मैं यहां से t क्या लिख सकता हूं, 2s by a का अंडर रूट, नहीं क्या? और मैं जानता हूं यहां पर s कितना चलना है l, और त्वरण कितना है g sin theta minus mu g cos theta, तो ये t1 लिख देता हूं। और यहां पर इस स्थिति में कितना समय लगेगा बेटा, अंतर उस l में तो है ही नहीं, सिर्फ किसमें अंतर है त्वरण में, और त्वरण कितना है चिकने नत्तल पर g sin theta। और ये कहना चाह रहा है कि जो टाइम यहां लगता है ट्वाइस एट टाइम्स टेक्स टू स्लाइड डाउन दी सेम डिस्टेंस इन दी एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, यानी टी वन बराबर टू टी टू ये कह रहा है। टी वन का मान टी टू का मान रख के सॉल्व कर लेना, जो ये जानना चाहता है वो क्या है, म्यू जानना चाहता है तो म्यू निकाल के बता बेटा। ठीक है, ये हिंदी करने में ना गूगल की मदद ले लेते हैं, और जहां गूगल की मदद ले लेते हैं वहीं पे कोई बता देते हैं ऐसे कि कोई ट्रांसलेशन में साइन थीटा कॉस थीटा को भी गूगल ने कन्वर्ट कर दिया और पाप लिख दिया, पाप थीटा। वो चेक नहीं करते तो फिर वो हो जाता है, और इतनी सारी हिंदी रहती है उसको चेक कौन करे। हाँ बेटा मॉड्यूल, मॉड्यूल निकालने उसमें जो भी आपको लग रहे पूछने लायक चीज है। पचास तक तो शायद हो गया था डिस्कस, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, नहीं दो मॉड्यूल दो। पैंतीस तक तो हो गया होगा ना प्रभु, है ना?
35 तक हो गया है, तो आप यहां पर बात करें 40 तक डाउट पता है इसके डाउट आपको, सर कैसे पूछेगी? और है कोई जिसको पता है कि जिसने डाउट्स लिख रखे हो? लग रहे डाउट, ठीक है सर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 35 के बाद, 36 से 40 तक डाउट्स, 43 तक डाउट बेटे। ये तो जो भी पूछ रहा तेज बोला करो, ऐसे आधे अधूरे में बोलते ना लगता है कि कुछ पूछना चाहता है पर पूछ नहीं पा रहा है, शोषण हो रहा है बालक का। इसके बाद ये क्या है इन गोलों का, ये आगे तो 44 जिसपे सिर्फ गोला है वो नहीं आया। अच्छा ओके, तो 44 46 तक बेटा, 40 समझ भी नहीं आता मेरे को तो क्या है, अलग ही। चलो 50 तक, 47, 47 में 1800 आएगा बेटा आंसर, और ये डिस्कस कर लिया था कि क्लास में? अच्छा आपने बाहर पूछा था। चलो 47 की बात कर लेते हैं, नोट्स में, क्लास नोट्स में लिखेंगे सब लोग, उसमें लिख लेना एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 47 करके। और क्या करना है इस सवाल में, ऐसे सवालों में गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूं, ट्रिक क्या रहती है कि जैसे ये कुआं है और यहां पर अपने को एक बाल्टी ली गई है और ये बाल्टी पूरी भरी हुई है, और फिलहाल इस बाल्टी का और इस पानी के इस सिस्टम का जो कुल भार है वो 15 किलो है। आप इस बाल्टी को खींचते 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 ऊपर लेके चले गए और ऊपर तक ले जाने में यहां पर इस बाल्टी से काफी सारा पानी बह गया है और अभी यहां पर कितना बचा है, मात्र 9 किलो। तो क्या करना है ऐसे सवालों में कि जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा वो डेल्टा यू के बराबर होता है, हाँ के ना? और अपन ऐसी परिस्थितियों में यहां पर डेल्टा यू स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई ऊंचाई बढ़ रही है ना, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या लिखेंगे, प्लस एम जी एच। तो हम यहां पर लिखेंगे प्लस और एम यहां पर लिखा जाएगा एम एवरेज इंटू जी एच। एच कौन सा, बाल्टी को जितना चलाया गया। और यहां पर एम एवरेज कैसे निकलेगा बेटा, प्रारंभिक द्रव्यमान प्लस अंतिम द्रव्यमान उस बाल्टी का बटे 2 इंटू जी एच, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये 1800 जूल आएगा। इसको मैं समझा देता हूं पूरा कि आप क्यों ऐसा करते हैं और किन परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं, ये बातें यहां पर जरूरी है। आप भी जानते हैं कि हम जब भी ये बात करते हैं कि मुझे इस निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन करना है, सिर्फ मुझे ऐसा नहीं है कि बाल्टी को गति ऊर्जा देनी है, मुझे क्या करना है, बाल्टी को सिर्फ यहां से खींचकर यहां लाना है, यानी यहां से यहां तक में बाल्टी की गति ऊर्जा में मैं कोई परिवर्तन नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी ऊंचाई परिवर्तित करना चाहता हूं, उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित करना चाहता हूं, और मैं उसी के लिए बाह्य बल द्वारा कुछ कार्य करूंगा और वही बाह्य बल द्वारा आवश्यक कार्य मुझे यहां से बताना है जो मैंने यहां पर देखा। अब सुनना बात को, हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहां पर समझते हैं कि अगर इस बाल्टी का प्रारंभिक द्रव्यमान एम नॉट अगर मैं लिख दूं तो वो 15 किलो है, और मुझे ये भी पता है कि जैसे यहां से नीचे से ऊपर तक ये बाल्टी गई, चूंकि बाल्टी फूटी हुई है, मुझे यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स के नियम नहीं लगाने हैं, मुझे सिर्फ ये समझना है कि बाल्टी अगर फूटी हुई है तो ये मानते हुए कि लगातार उससे बहने वाले पानी की रेट यानी कम होने वाले पानी के प्रवाह की दर क्या मान रहा हूं, नियत कांस्टेंट, और उसको कहूंगा मैं डीएम बाई डीएच, और वो कितनी हो जाएगी तो बताओ 15 मीटर की हाइट चढ़ने में कितना पानी खाली हो गया, 6 किलो। तो जब हम यहां पर
किसी रैंडम ऊंचाई एक्स पर बात करेंगे, तो रैंडम ऊंचाई एक्स पर कितना द्रव्यमान बचेगा, तो जो द्रव्यमान बचेगा वो बचेगा एम नॉट माइनस डी एम बाय डी एच गुणा एक्स। ये क्या है, ऊंचाई h के साथ द्रव्यमान प्रवाह की दर, हाँ के ना, x ऊंचाई पर कितना द्रव्यमान खाली हो चुका है और प्रारंभिक द्रव्यमान m नॉट कितना था, तो ये क्या बचेगा, शेष द्रव्यमान जो हमारे पास उस बाल्टी के उस निकाय में बचा हुआ है। और अगर मैं यहां पर लिखता हूं m, तो m नॉट कितना है बेटा 15 माइनस dm बाई dh कितना है 6/15 इंटू। और अगर मैं यहां पर इसे दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं, g से, तो ये हो जाएगा m इंटू जी और ये हो जाएगा 15 माइनस 6/15 एक्स इंटू। और यही mg क्या है, उतना बल जितना मुझे लगाना है उस बाल्टी को उठाने में। तो आप यहां पर क्या देखेंगे कि यहां पर बल के और इस x के बीच का जो ग्राफ नजर आएगा बेटा, वो बल और x के बीच का ग्राफ आपको कैसा नजर आएगा, सरल रेखीय ग्राफ, हाँ के ना, क्योंकि बल और यहां पर x कैसे निर्भर कर रहे हैं खुद के समाधान पर, माइनस चिन्ह के साथ। और यहां से आप समझेंगे कि शुरुआती यहां पर मुझे कितना बल लगाना है, 15 इंटू जी, हाँ के ना, और अंत में मुझे यहां पर कितना बल लगाना है सरल रेखीय संबंध के बाद, 9 इंटू जी। जब बाल्टी कहां पहुंच गई, ऊपर टॉप पर, 9 ही किलो बचा है ना बेटा, तो 90 न्यूटन बल लगाना है, जबकि प्रारंभ में मुझे कितना लगाना पड़ रहा था, 150 न्यूटन। तो मैं 150 को 15 g लिखना चाहता हूं, 90 को 9 g लिखना चाहता हूं, और ये बल और विस्थापन का ग्राफ हो गया, जिसमें ये विस्थापन कितना हो चुका है, 15 मीटर, यानी कुएं से सतह तक मैं उसको ले आया हूं। और कितना कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य W एक्सटर्नल कितना होगा, क्या उसको इस क्षेत्रफल के थ्रू लिख सकते हैं बेटा, क्या जानते हैं बल और विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल ही कार्य देता है। सरल रेखीय संबंध में यहां पे समझा चुका हूं, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां y बराबर mx प्लस c होता है ना बेटा, y बराबर mx प्लस c, तो गौर से देखो ना, मैं इसको समझाता हूं, ये F वास्तव में आपको कैसा नजर आना चाहिए, F आपको नजर आना चाहिए 15G माइनस 6G बाय 15X, हाँ या ना, G को अंदर गुणा करो, और ये Y बराबर C माइनस MX जैसा नजर आ रहा है, यानी इसका Y अंतःखंड किसके बराबर है, 15G के बराबर, इसीलिए मैंने इस Y अक्ष को कहां काटा, 15G पर, इसका ढाल कैसा है, ऋणात्मक, और ऋणात्मक ढाल है इसीलिए यहां तक। तो सरल रेखीय संबंध है, सब कुछ बातें सेट है, क्षेत्रफल निकालो, आंसर पाओ, मजे करो। तो हम यहां से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्या कैसी ज्यामिति है ये, समलंब चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाएं, कौन कौन सी समांतर भुजाएं, एक ये वाली और एक और वो वाली, समांतर भुजा कितनी है, 15G और 9G, तो मैं यहां से जी कॉमन ले लू बेटा, तो 15 + 9 इंटू जी इंटू उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी H। और इसी चीज को आप देखिए वहां पर ट्रिक में मैंने क्या लिखा है, M average। अरे हाँ, तो यहां से ये M average, ये पूरा जो हमने काम किया मैंने उस सिस्टम में एक शब्द में वो काम कर दिया था, इसीलिए इसको हमने ट्रिक कहा है कि ऐसा अपन कर सकते हैं। और बाकी जैसे ही सॉल्व करेंगे, 15 + 9 = 24 / 2 = 12 / 120 / 15 = 1800। वाले मेथड को अप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं जिनमें जो परिवर्तन यहां पर हो रहा है, यानी जिस जिन दो राशियों के बीच हम बात कर रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ने पर बल बदलना, वो बल यहां पर रेखीय रूप से बदल रहा है, हाँ के ना? और अगर रेखीय परिवर्तन की दर है तो उस स्थिति में औसत वाला कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। और धन्यवाद।
काइनेमेटिक्स में क्या त्वरण नियत होता है बेटा? और जब त्वरण नियत होता है जिन किसी किन्हीं सवालों में, तो वेग और समय के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? सरल रेखा, v बराबर u प्लस at। और आप जानते हैं कि अगर v बराबर u प्लस at है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये वेलोसिटी v हो गई, और अगर मुझे विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन निकालना है तो क्या हो जाएगा? विस्थापन उस vt ग्राफ का क्षेत्रफल, समाकलन या फिर क्षेत्रफल। तो उस स्थिति में विस्थापन निकालने के लिए हम या तो समाकलन करेंगे, या सरल रेखा है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पर मैं क्या कहना चाहता हूं कि वही सेम कॉन्सेप्ट से मैं क्या कर सकता हूं, औसत वाला काम कर सकता हूं, और मैं विस्थापन के लिए क्या लिख सकता हूं, यू प्लस वी बाय टू इंटू टी। आपने देखा होगा ये इस प्रकार की समीकरण देखी है, कुल विस्थापन ज्ञात करने के लिए औसत वेग गुणा समय। क्यों औसत वेग काम कर जाता है वहां पर? क्योंकि सरल रेखीय संबंध, सरल रेखीय परिवर्तन की दर इन दोनों राशियों के बीच में है, त्वरण नियत होने के कारण, इसलिए औसत वाला संबंध काम कर जाता है। तो कुल मिलाकर मैं फिर से कहता हूं, औसत वाला संबंध किन किन परिस्थितियों में आप सीधा ट्रिक के तौर पर काम में ले सकते हैं, जहां परिवर्तन की दर क्या है, नियत। परिवर्तन की दर क्या है, यानी उन राशियों में बनने वाला ग्राफ कैसा है, सरल रेखा। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण, यानी त्वरण नियत है, इसलिए ग्राफ सरल रेखा, इसलिए ये काम हम यहां कर सकते हैं। और भी ऐसी बातें जब भी अपने को आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे। कब कौन सी चीज काम आ जाए आप शायद जानेंगे बेहतर आगे तक जब हम पढ़ते जाएंगे। फिलहाल इसे नोट करें जल्दी से। लिखा उसने तो भी सोचा ही है बस लिखने का।
बोलिए। क्वेश्चन 50 तक क्वेश्चन 50 तक इसके बाद क्वेश्चन 60 से 62 तक सिक्सटी थ्री से 67 तक 66 100 न्यूटन पर मीटर बल नियतांक स्प्रिंग में 100 सेंटीमीटर की वृद्धि है। स्प्रिंग को सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक स्प्रिंग है और वो स्प्रिंग पहले से 10 सेंटीमीटर खींची हुई है, इतनी वृद्धि है उसमें। क्वेश्चन कहता है इसके आगे कि 10 सेंटीमीटर से मैं पहले उसे खींचकर 20 सेंटीमीटर की वृद्धि तक ला दूंगा और 20 से फिर वापस उसे 15 पर लाकर छोड़ दूंगा, और इस पूरे प्रोसेस में कितना बाह्य बल द्वारा कार्य करना पड़ेगा यह हमें बताना है। तो बेटे गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि स्प्रिंग बल चूंकि कैसा बल है, संरक्षी बल है, और संरक्षी बलों के लिए मजे की बात क्या रहती है कि आप उन्हें 10 से 20 ले जाओ चाहे 50 ले जाओ और फिर घुमा फिरा कर वापस 15 पर ले आओ, उनको फर्क अगर पड़ता है तो प्रारंभिक और, तो कुल मिलाकर आप 20 तक ले गए, उस 20 से इस सवाल के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक्स फाइनल की जगह क्या लिखेंगे, एक्स फाइनल की जगह क्या लिखेंगे 15 और एक्स इनिशियल 10, और फॉर्मूला कौन सा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस 100% आपका आंसर आ जाएगा। फिर कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप करेंगे। 67 तक और कोई डाउट? नो, ये वही था। क्या मतलब और बताना है क्या कुछ? 67 में एक बल नियतांक की स्प्रिंग दे दी, सामान्य अवस्था से 5 सेंटीमीटर खींच रखा है, स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर और खींचने में कार्य, समझ रहे हैं? और इसका मतलब हम कहां से कहां तक का कार्य ज्ञात करना चाहते हैं, 5 से एक्स फाइनल 10, एक्स इनिशियल 5 इंटू हाफ के, पूरा फॉर्मूला वैसा का वैसा ही अरेंज हो जाएगा, ठीक है? चलिए तो आगे बात बढ़ाते हैं अपन। मुझे क्लास नोट्स में बता दें कहां तक अपन ने किया था, करते हैं मुझे वही दिखा दें एक बार, हमने लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे। इसके बाद कुछ किया था अपन ने? नहीं। चलिए इस लास्ट वाले क्वेश्चन को अपन एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑल्दो वैसी बातें हम काफी कर चुके हैं, मैं चाहता हूं आप उसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट सही करें। जो अंतिम क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है कि एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक के है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है अपन ने, एक स्प्रिंग को विस्तारित करने में, तो आप यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ी सी इस लैंग्वेज को चेंज करें, सटीक कर लें ताकि अपना आंसर अपने को अपनी भावनाओं अनुरूप मिल जाए, और लैंग्वेज क्वेश्चन की होनी चाहिए एक स्प्रिंग और ब्रैकेट में लिखें स्प्रिंग नियतांक के, स्प्रिंग और ब्रैकेट में लिखें स्प्रिंग नियतांक के को एक्स विस्तारित किया गया है, को एक्स विस्तारित किया गया है, एक स्प्रिंग फिर हमने ब्रैकेट में लिखा है स्प्रिंग नियतांक के को एक्स विस्तारित किया गया है, इसे
आगे वाय और विस्तारित करने में, इसे आगे वाय और विस्तारित करने में, इसे आगे वाय और विस्तारित करने में किया गया कार्य ज्ञात कर। तो कुल मिलाकर हम यहां पर क्या परिस्थिति जनरेट की है बेटे, कि ये कोई एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग नियतांक कितना है के, और इसे कितना विस्तारित किया गया है x, तो x इनिशियल हो गया x, इसे यहां से आगे कितना विस्तारित करना है, यानी नेचुरल लेंथ से कुल विस्तार x फाइनल कितना हो गया x प्लस y। और अब अपन यहां पर जो कार्य बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना चाहते हैं वो हमारा हो जाएगा हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर, और इसे आप लिख देंगे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये अपन ने कर रखा है आगे। चलिए हेडिंग लिखेंगे एक छोटी सी पहले, तो कार्य एवं यांत्रिक ऊर्जा के मध्य संबंध, कार्य एवं यांत्रिक ऊर्जा के मध्य संबंध। चलिए यहां पर हम क्या बात करना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, समझाता हूं कि सबसे ऊपर सर्वोपरि कौन है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय से आप इस पूरे चैप्टर के किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने कल क्या बात की थी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में यदि मैं असंरक्षी बलों को जीरो कर दूं और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को जीरो कर दूं तो मुझे एक संबंध मिला था W एक्सटर्नल बराबर डेल्टा U, और उसको हमने हेडिंग दिया था कि जब मुझे सिर्फ किसी निकाय के अभिविन्यास में परिवर्तन करना है, ना मुझे उसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, ना असंरक्षी बलों घर्षण जैसा कोई कार्य है, तो उस स्थिति में मैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर कर सकता हूं, डेल्टा यू के बराबर कर सकता हूं। अभी थोड़ी सी चीज हम यहां पर अलग करने जा रहे हैं, अभी की परिस्थिति कैसी है वो मैं समझाता हूं। एक हवाई जहाज है बेटा, अब हवाई जहाज यहां से मान लो किसी प्लेटफॉर्म पे चलना या तो शुरू करता है, मान लो वो दौड़ना शुरू करता है रनवे पे, और जब वो भागेगा यहां से दौड़ना शुरू करेगा और फिर हवा में उड़ान ऐसे भर लेगा। अब ऐसे सवालों में यहां पर आप जानते हैं कि क्या उस हवाई जहाज ने जब से चलना शुरू किया और जब वो हवा में उड़ गया इस पूरे प्रोसेस में गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, रनवे पे भागता है, स्पीड पकड़ता है, पर्याप्त स्पीड पकड़ने के बाद वो ऊपर उड़ना शुरू करता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, और इस पूरे प्रोसेस में बाह्य बल कार्य करता है कि नहीं करता है? कौन बाह्य बल कौन कार्य करता है? पायलट, हनुमान जी है पायलट, छाती में रख के चल। प्लेन का इंजन वहां लगातार पावर डिलीवर करता है, शक्ति प्रदान करता है, और उस पावर डिलीवर होने के कारण लगातार वो इंजन कार्य करेगा, और इस इंजन के द्वारा किया गया बाह्य बल का कार्य ही उसको ऊंचाई पर भी ले जाता है, उसको वेग भी प्रदान करता है। ना? मैं यहां पर इस सवाल पे फिलहाल घर्षण जैसे किसी असंरक्षी बल के कार्य को क्या मानकर बात करना चाहता हूं, शून्य। मैं नहीं कंसीडर करना चाहता कि वायु भी वहां प्रतिरोध उत्पन्न कर रही है, या जब वो प्लेन रनवे पर भाग रहा था तो घर्षण बल कुछ था, मैं नहीं मानना चाहता। इस चीज को मैं यहां पर शुरू करता हूं, एक बार ध्यान से आपने हेडिंग लिख लिए ना, तो समझिएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको क्या सिखाती है बेटे। कार्य ऊर्जा प्रमेय सिखाती है कि किसी भी निकाय पर एक तो बाह्य बल जो भी हो सब बाह्य बल मैंने एक साथ लिख लिया, उसके बाद उस निकाय पर अपने को
संरक्षी बल दिखाई पड़ते हैं आंतरिक। भाई बाह्य तो अपन ने लिख लिए ना, अब आंतरिक संरक्षी भी हो सकते हैं और आंतरिक असंरक्षी भी हो सकते हैं। नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल। अब आप पूछ सकते हैं कि सर नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल और कंजर्वेटिव इंटरनल का क्या मतलब है? मैं समझाता हूं कि जब ये हवाई जहाज यहां से उड़ना शुरू किया और हवा में उड़ा, तो हवा में उड़ा तो यहां पर आपको आंतरिक बलों में क्या मिला? कंजर्वेटिव में। तो आप देखेंगे निकाय में यहां पर आपको प्लेन जिसका कुछ द्रव्यमान है और पृथ्वी जिसका कुछ गुरुत्वीय क्षेत्र है, वो दोनों ने, प्लेन ने और पृथ्वी ने मिलकर क्या बनाया? एक गुरुत्वीय निकाय बनाया। उस गुरुत्वीय निकाय में हमने प्लेन को ऊपर उड़ते देखा, तो क्या उसके द्वारा गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य हुआ? वो यही है, यही गुरुत्वीय बल, जो कि क्या है? आंतरिक संरक्षी बल है। आंतरिक क्यों बोल रहे हैं बेटा इसको? क्योंकि ये पृथ्वी और इसके बीच का आंतरिक बल है, जो पृथ्वी ने प्लेन पर लगाया और प्लेन ने पृथ्वी पर लगाया। हाँ के ना, इसलिए ये तो हो गया कंजर्वेटिव। दूसरा नॉन कंजर्वेटिव, यानी अगर पृथ्वी और इसके बीच में कोई घर्षण बल भी होता तो हम उसकी भी बात करते, पर फिलहाल हम यहां से इसको किसके बराबर लिखते हैं बेटा? डेल्टा लिखते हैं ना। और मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये वाली चीज यानी असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य मैं फिलहाल यहां से जीरो करूंगा, असंरक्षी बलों द्वारा कार्य बराबर। और इसी चीज को क्या लिख सकते हैं पता है? माइनस ऑफ डेल्टा यू। बोलो स्थिति ऊर्जा की परिभाषा यही तो होती है ना, क्या होती है? स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन बराबर माइनस ऑफ संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। तो यहां संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, तो माइनस इधर लगा दिया मैंने। और अब परिस्थिति क्लियर है, एरोप्लेन वाली स्थिति समझ में आ गई हमें, जो भी परिवर्तन करने, क्या वहां गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मिल रहा है? क्या हमें वहां परिस्थिति ऊर्जा में परिवर्तन मिलेगा? और हम संरक्षी बल असंरक्षी बलों का कार्य जीरो मान चुके हैं, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? W एक्सटर्नल इस माइनस को, तो क्या हो जाएगा? हाँ के ना। और डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं बेटा? U फाइनल माइनस प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं? KE फाइनल माइनस। और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? एकमात्र जोड़ के U फाइनल प्लस KE फाइनल और माइनस एक साथ लिखे U इनिशियल प्लस KE, और इसी चीज को हम यहां से लिख देंगे मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल। सही है। अब अगर यहां पर तो चूंकि इंजन था, उस इंजन के कारण कुछ कार्य बाह्य बलों द्वारा किया गया और उसके कारण जो कुछ भी अपन ने देखा वो देखा। अगर कभी किसी परिस्थिति में यदि W एक्सटर्नल भी क्या हो? जीरो हो, साथ के साथ मैं यहां पर पहले से क्या लिख चुका हूं? W नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल क्या हो? जीरो। तो उस स्थिति में इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और उस स्थिति में हम क्या कह देंगे कि भाई एक डब्ल्यू एक्सटर्नल अगर जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा? मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर, और मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आता है? गतिज एवं स्थितिज। तो हम इसको विस्तार से ऐसा क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब मैकेनिक्स में आपने स्थिति ऊर्जा अभी तक कौन कौन सी पढ़ी है? स्थिति ऊर्जा की कौन कौन सी बातें की आपने? गुरुत्वीय और स्प्रिंग, ये दो पढ़ी है मैकेनिक्स में, और आगे मैकेनिक्स में आप पढ़ोगे भी नहीं फिलहाल,
मैकेनिक्स में अपन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की भी बात करेंगे और स्प्रिंग, स्प्रिंग की बात कब होगी जब सिस्टम सवाल में स्प्रिंग नजर आएगी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात कब होगी जब हाइट वगैरह पर चीजें, कोई बॉडी ऊपर से फिसला दी नीचे आई है तो हम गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करेंगे। अगर एक ही क्षितिज में सवाल चलता है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में कोई परिवर्तन, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन कब देखा जाता है जब, पहली बात क्लियर रही, स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा की बात कब करेंगे जब निकाय में स्प्रिंग का इंट्रोडक्शन किया जाएगा, स्प्रिंग को संपीड़ित या स्प्रिंग को वहां से फैलाया जाएगा। तो हम यहां से बात कर लेते हैं, गतिज ऊर्जा एक तो इनिशियल अपन ने लिख ली और पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी वाली भी अपन ने इनिशियल लिख ली। पोटेंशियल एनर्जी अगर वहां पर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग वाली भी अपन ने इनिशियल लिख ली। इसके बाद हम अंतिम पे आएंगे तो अंतिम गतिज ऊर्जा लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी अगर वहां पर ग्रेविटी है यानी ग्रेविटी में परिवर्तन हो रहे हैं तो फाइनल अपन यहां पर लिख चुके होंगे और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की भी अपन फाइनली लिख लेंगे क्योंकि स्प्रिंग वहां पर मौजूद है। तो इस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाएंगे। तुरंत लिख डालें। अजू यहाँ बैठती थी और दूसरी बार पहले के लेक्चर में भी नहीं, क्यों कल ही ताजा ताजा धमकी दी थी उसके बाद भी नहीं है यार। मैंने सबको कहा था ना कि नहीं आओगे तो मैं लाइव बंद कर दूंगा, उसके बाद भी मतलब कि देखती हूँ मैं आज कैसे नहीं आता। चैलेंज एक्सेप्टेड है। बंद तो कर दे यार, तब क्या होता है वो क्या कहते हैं वो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, फिर वो जाता है और फिर वो अल्टीमेटली दुख देता है, फिर वो अंत में। हाँ भैया क्या बोल रहे हो, क्या कौन सा वाला बता तो सही कौन सा वाला, मैं जवाब दूंगा। कहां से आता है शांत रहे,
चलिए इधर वाला तो आपने लिख लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन के साथ मैं कुछ बातें रिलेट करता हूं, आपको क्या समझ में आना चाहिए। गतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा को लिखना कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा क्या है, ये कठिन काम नहीं रहेगा। कठिन काम जो रहेगा वो ये रहेगा कि आप स्थितिज ऊर्जाओं को, चाहे वो स्प्रिंग की हो या गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो, उसे सवाल में कैसे लिखते हैं। इस सवाल में आपके और हमारे कॉमन टारगेट क्या होने चाहिए, सब एक बार गौर से इधर देख लें। कालिदास जितने भी हैं सब इधर देख लें, मत कर रहे। फिर इसी के साथ वो जो कहावत है ना वो पूरी हो जाएगी, वही गेहूं वाली। तो ध्यान से सुनना, सवाल में हमें यहां पर कहां से कहां तक का शुरुआत करना है, कहां तक क्वेश्चन को खत्म करना है, ये होता है अंतराल। और अंतराल मेरा सवाल शुरू करता है यहां, इस ऊंचाई से जहां से मैंने इसको छोड़ा है और जहां तक मैं इसे अंत में लाकर देखना चाहता हूं, या सवाल मुझे जहां अंतिम स्थिति दिखा रहा है वहां से वहां तक के बीच में क्या करना चाहता हूं, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाना चाहता हूं। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाने के लिए, वैसे मुझे पता है इस सवाल को मैं यहां पर चुटकियों में गतिज ऊर्जा यानी ऊर्जा जो कार्य ऊर्जा प्रमेय से भी मैं कर सकता हूं, पर मैं अभी बात करना चाहता हूं कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कैसे अप्लाई किया जाता है। अगर आप चाहें तो उसके लिए दो चीजों की यहां पर परीक्षा होती है। सबसे पहली, क्या यहां पर कोई बाह्य बल इस निकाय में दिखाया गया है? नहीं है ना? बाह्य बल मतलब समझ रहे हैं ना, गुरुत्व वगैरह के अलावा कोई और बल जो बाहर से कोई खींचा हो, बाहर से अपन ने एफ वगैरह कुछ लगाया हो, क्या कोई असंरक्षी बल दिखाया गया है? क्योंकि सतह स्मूथ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारी परिस्थितियां बिल्कुल सेट है कि हम ऊर्जा संरक्षण यहाँ पर करा सकते हैं, क्योंकि आप जानते भी हैं, यहाँ महसूस भी कर रहे होंगे कि ये ब्लॉक जो ऊपर से नीचे आ रहा है किस ऊर्जा के कारण आ रहा है, स्थितिज ऊर्जा के कारण। वो ऊर्जा अंत में जब ये नीचे आ जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो चुकी होगी, गतिज ऊर्जा में। कोई ऊर्जा का लॉस यहाँ है ही नहीं, ना कोई ऊर्जा बाहर से इसको दी जा रही है, सिर्फ वही स्थितिज ऊर्जा जो इसके पास है उसी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया जाएगा, यानी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। अब अप्लाई कैसे करना है, चूंकि यहाँ स्प्रिंग वगैरह कुछ है नहीं, सिर्फ गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात होगी, और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में सबसे जरूरी चीज ये है, रेफरेंस लेवल मानना पड़ता है बेटा। तो मैं इस वाले निचले तल को h बराबर 0 मानूंगा। रेफरेंस लेवल का क्या मतलब है, स्थितिज ऊर्जा एक सापेक्षिक राशि है। जैसे मैंने अपने हाथ पर ये पेन रखा और मैंने कहा अगर मेरे हाथ का तल h बराबर 0 है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा मैं कह दूंगा 0। अगर मैं कह दूं ये जमीन यहां पर h बराबर 0 है तो मैं इसकी स्थितिज ऊर्जा कह दूंगा mgh। मान लो 1 मीटर है तो mg इंटू 1 मीटर। तो डिपेंड करेगा कि आप कहां पर तल 0 मानोगे। पर ध्यान से सुनना कि अगर मैं इसे यहां से यहां विस्थापित करता हूं, यहां से यहां, और ये ऊंचाई मान लो x है, तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। अब जो इन्होंने पूछा है वो सबसे बड़ा दुख है, इन्होंने कहा कौन से तल से। बेटा तल कोई भी हो, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए क्या चीज मैटर करती है, यहां से यहां जाना, हाँ के ना, और यहां से यहां पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, mgx+ का, चाहे आप वहां से नापें, क्योंकि वहां से नापेंगे तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, mg 1 मीटर। वहां से नापेंगे तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, mg, और यहां तक की स्थितिज ऊर्जा क्या लिखेंगे, mg 1+x। तो अंतर कितना आया, mgx।
यहां से नापेंगे तो h बराबर 0 अगर यहां है तो फिलहाल 0, और यहां mgx, तो परिवर्तन तो क्या ही रहेगा, mgx ही रहेगा चाहे कहीं से भी नापा जाए। और यहां बात जो हो रही है वो उसी की हो रही है, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन की ही बात हो रही है, प्रारंभिक और अंतिम के बीच के अंतर की ही बात हो रही है। तो इसीलिए रेफरेंस तल कहीं भी माना जाए, सवाल और सवाल के अंतर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सामान्यतया हम क्या कर लेते हैं, जो भी निचला तल होता है उसे h बराबर 0 मान लेते हैं। इस तल के सापेक्ष ये ऊंचाई कितनी है, अब अपन यहां पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखूंगा बेटे, जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखूंगा, एमजी इंटू बी। वहां से जब यहां तक आ चुके हैं तो हम गतिज ऊर्जा को क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो ये वी है यही हमें ज्ञात करना है। और जब हम बिल्कुल निचले तल पर आ चुके हैं जहां मैंने एच बराबर जीरो माना है तो स्थिति ऊर्जा यहां पर एक परसेंट भी दुखो तो बोल दो। और यहां से हम जानना जो चाहते हैं वो बिल्कुल चीज क्लियर है, एम से एम काट दूं, इस दो को उधर ले जाऊं तो 20 इंटू दो 40 इंटू ये 400, एम से एम कट चुका है तो वी स्क्वायर और वी बराबर 20 मीटर प्रति। कुछ एकाध सिंपल पहले बेसिक अपन काम कर लेते हैं, तो ऐसे ही एक दो सिंपल सवाल और मैं लिखता हूं। इधर वाला लिखा बेटे,
तो बेटे अधिकतम ऊर्ध्वाधर विस्थापन का क्या मतलब है कि चूंकि ये ब्लॉक चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा है, पर कहीं ना कहीं गतिज ऊर्जा तो खत्म होगी ना, वही बिंदु क्या बन जाएगी इसकी अंतिम स्थिति बन जाएगी, और वही अंतिम स्थिति वाला ऊर्ध्वाधर विस्थापन h हमें पता करना है। तो यहां पर इस बिंदु पर फाइनल वेग को क्या लिख दूंगा बेटे, जीरो। और हमारे कॉन्सेप्ट यहां पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के, जिसमें हमें पता है कि फिलहाल कोई स्प्रिंग निकाय यहां नहीं है, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ गुरुत्व के साथ स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, प्रारंभिक के लिए भी और अंतिम के लिए। तो गतिज ऊर्जा इनिशियली आप क्या लिख देंगे बोलो, तो इनिशियल गतिज ऊर्जा आप क्या लिखेंगे, हाफ एम और 10 का स्क्वायर। आप इसका तल रेफरेंस लेवल कहां पर मान ले, यहीं पर इसी 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 चीज, ठीक है, यानी बिल्कुल निचले सतह को ही मान ले, कोई अलग कुछ नहीं है। इस निचली सतह से कितना ऊपर की ओर जाना है ये हम यहां से जानना चाहते हैं। तो इस तल को यहां पर रेफरेंस मान लेने के बाद हमारी स्थितिज ऊर्जा प्रारंभिक, गतिज ऊर्जा अंतिम और अंतिम स्थितिज ऊर्जा mg ऊपर जा रहे हैं, इसलिए प्लस के साथ। मैं थोड़ा सा मतलब जो चीज मुझे बुरी लगी उधर जब मैं उस क्लास में पढ़ा के बाहर निकला, तो उनका कहना है कि सर ये प्लस माइनस नहीं समझ आ रहा। मैं समझाता हूँ उनका डाउट क्या था, और वो चीज आप बेहतर समझ ले ताकि अपने को संकट ना आए कि सर ये सब लिख रहे हैं हम, बढ़िया चीज है कि हम काइनेटिक एनर्जी लिखना जान रहे हैं, पोटेंशियल लिखना जान रहे हैं, पर सर माइनस और प्लस का मतलब क्या है, यानी यहां पर सर आपने ये प्लस एमजीएच क्यों लिखा, माइनस एमजीएच क्यों नहीं लिखा। तो सीधी सी बात है बेटा, आप जहां पर इस तल को आपने क्या कहा है एच बराबर, और ऊपर का विस्थापन यहां पर क्या है, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी तल से ऊपर जाते हैं तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। हो सकता है अगर इस सवाल में मैं यहां से जहां मैंने h बराबर जीरो माना है, अगर मैं वहां से नीचे आता तो ऋणात्मक विस्थापन नीचे की तरफ होता ना, तो मैं माइनस के साथ mgh लिखता, मुझे स्थिति ऊर्जा कम होती नजर आती। तो स्थिति ऊर्जा में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, जिस तल को आपने रेफरेंस यानी h बराबर जीरो माना है, कहीं भी मान लो, ऐसा नहीं है कि सर मैं मुझसे सही नहीं माना जाता, मैं तो पता नहीं क्या ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां जिस तल को आप h बराबर जीरो मान रहे हो, उस तल से अगर आप ऊपर हो तो प्लस का mgh, उस तल से आप नीचे हो, पहली चीज। दूसरी बात, स्प्रिंग की बात करता हूं, स्प्रिंग पर जो जो नेचुरल लेंथ होती है ना, प्राकृतिक लंबाई, उस नेचुरल लेंथ पर स्थिति ऊर्जा जीरो, हां के ना, वहां से चाहे उसे आप पिचकाएं या वहां से आप चाहे उसे खींचें, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा हमेशा धनात्मक होगी, प्लस का हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग स्थिति ऊर्जा को अगर आप नेचुरल लेंथ से नाप के लिख रहे हो तो कभी ऋणात्मक लिखना ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल लेंथ से चाहे मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, नेचुरल लेंथ से हमने लिखा भी था, नेचुरल लेंथ से दूर जाने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक, ऐसा लिखा था मुझे जहां तक ध्यान है, और नेचुरल लेंथ की तरफ आने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो हम नेचुरल लेंथ से ही बात करेंगे हमेशा, और वहां से चाहे इधर हो प्लस का ही हाफ के एक्स स्क्वायर लिखना है सबको। तो साइन कन्वेंशन और गतिज ऊर्जा में तो लोचा ही नहीं है ना, गतिज ऊर्जा कभी ऋणात्मक, जितना वेग है हाफ एम बी स्क्वायर लगा देते हैं। तो साइन कन्वेंशन, अब आप मन में मन घड़ंत कई कहानियां बना लो, मुझे प्लस लगाना है, ऐसा कुछ नहीं करना बेटे, सीधा सा बात है, गतिज स्प्रिंग के लिए कोई माइनस लगाने की जरूरत, नेचुरल लेंथ से ही क्या लिख देंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस का, हाँ के ना। और दूसरी बात, स्थिति ऊर्जा गुरुत्व स्थिति ऊर्जा के लिए तल एच बराबर जीरो, ऊपर है तो नीचे है तो खत्म। अब मैं आ जाता हूं अपने सवाल पर, और मैंने यहां पर कहा कि ये स्थिति ऊर्जा ठीक है, m से m काट दूंगा, g यहां से एक 10 से 10 खा जाएगा, उधर बचेगा 5, h बराबर 5 मीटर आ जाएगा। कैसे पता लगा कि अपने को यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाना वैध है, यहां पर वैलिड है,
स्मूथ सरफेस है, कोई बाह्य बल नहीं है, इधर से चलाई गई वस्तु है, इस गतिज ऊर्जा के कारण फिसल कर कहां पहुंच रही है, ऊंचाई पर पहुंच रही है। यानी गतिज ऊर्जा ही किसमें बदल रही है, स्थित ऊर्जा में, और यहां से यहां तक में कोई ऊर्जा का हानि नहीं है। और यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण लगाना यहां वैलिड है, कोई स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग नहीं होने के कारण सिर्फ गुरुत्वीय स्थित ऊर्जा की बात होगी प्रारंभ में भी और अंत में भी। और इस तल को अगर मैं क्या मान लू बेटा, एच बराबर जीरो, तो इस तल से कितना ऊपर हूं, 5, तो क्या लिखूंगा, हाफ एम 10 का स्क्वायर प्लस एम जी एच। यहां से अंत में एच मैक्स पूछा है ना बेटा, एच मैक्स मतलब अंत में यहां पर जाते जाते सारा वेग खत्म हो गया होगा, तो गतिज ऊर्जा 0 और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच मैक्स। एम से हम सब जगह उड़ा देते हैं, यहां 10 का स्क्वायर 100 बटे 2 50 और जी इंटू 5 50 50 100 बटे जी इज इक्वल्स टू एच मैक्स। टाइम हो गया है भाई,
हाँ जी, सबसे पहले तो मुझे सी बिंदु पर गतिज ऊर्जा बताएं। देखो बेटे, स्मूथ सरफेस है, ऊर्जा संरक्षण हम यहाँ पर थोड़ा समझ सकते हैं, और ऊर्जा संरक्षण हम लिखें उसके पहले हमें यहाँ पर एक गुरुत्वीय तल मान लेना होगा। गुरुत्वीय तल h=0 किसको मान लेना ज्यादा उचित उपाय है? बिल्कुल इस निचले वाले को, जहाँ ये मैंने डैश डैश बनाया है। तो मैं यहाँ पर इसी तल को लिख देता हूँ h=0। हमारा कहना यह है कि यहां पर कुल ऊर्जा या यहां पर कुल ऊर्जा या यहां पर कुल ऊर्जा क्या रहेगी? संरक्षित। मानते हैं ना? तो मेरा पहला सवाल यहां पर यह है कि के काइनेटिक एनर्जी सी बिंदु पर क्या होगी। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं ऊर्जा संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दूं ए से सी के लिए। तो मैंने ए पर लिखना पसंद किया गतिज ऊर्जा ए प्लस स्थितिज ऊर्जा ए बराबर गतिज ऊर्जा सी प्लस स्थितिज ऊर्जा सी। कोई दुख यहां तक की बात नहीं, ऐसा कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण है। तो अब ए पर गतिज ऊर्जा कितनी है बेटे? पक्का? क्यों? क्योंकि वेग शून्य लिख रखा है हमने, दिया हुआ है, और उस ए पर गतिज ऊर्जा हो गई 0। और जिस तल को हमने h0 माना है उसके सापेक्ष ये 45 मीटर ऊंचाई पर होने के कारण क्या हो जाएगा? mg × 45 बराबर। क्या सी पर गतिज ऊर्जा हम जानना चाहते हैं? तो ये वैसा का वैसा ही छोड़कर मैं इस सी पर स्थितिज ऊर्जा क्या लिख सकता हूं बेटा? तो ये लिख दिया जाएगा mg × 5। अब क्या इसमें नहीं आता, मुझे वो चीज समझ नहीं आती। सिंपल प्रोसेस है, इतना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य अब गतिज ऊर्जा पता करना है, तो इसको उधर ले जाकर घटा दूं तो mg कॉमन लेकर मुझे कितना मिल जाएगा? 45 - 5 यानी 40। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी सी बिंदु पर। m मैंने इसीलिए दे रखा है, तो 2 × 4 = 8 और 2 0 800, तो यहां से ये हो जाएगा 800। अब चूंकि हमसे क्या पूछा है, vb और vc, तो चूंकि मेरे पास ये काइनेटिक एनर्जी सी है ना, तो मैं इसी को क्या लिख सकता हूं? हाफ एम वी सी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? एम कितना है? 2 किलो, तो ये कट जाएगा, और यहां से वी सी बराबर √800 आ जाएगा, जिसे 400 × 2 लिखकर √2 m/s बना सकता हूं। अब अगर मुझे बी पर वेग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बेटे? अब मैं पुनः ये काम ए और बी के लिए करूंगा, तो मैं क्या लिख दूंगा यहां पर? ए पर काइनेटिक एनर्जी प्लस ए पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर बी पर काइनेटिक एनर्जी प्लस बी पर पोटेंशियल एनर्जी। और फिर से कोशिश करना है। क्या कह रहा है? बता तो सही, ए से बी, बी से सी के आगे भी तो बोलेगा। अरे कहीं भी, कहीं किसी भी किसी के बीच में ऊर्जा संरक्षण लगा सकता है, ए और बी के बीच में लगा सकता है, ए और सी के बीच में लगा सकता है, बी और सी के बीच में लगा सकता है। अब अगर बी पर वेग निकालना है तो बी को तो लेना पड़ेगा ना। आप चाहे तो सी के साथ ले ले या इसके साथ ले ले। इसको
मैं शायद तीसरी बार कह रहा हूं कि गतिज ऊर्जा संज्ञा जिसको अपन कहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय और गति की तीसरे समीकरण सेम ही है, और वो जब तक सेम रहेगी जब तक बल नियत रहेगा एम जी। तो आप कर सकते हैं, मतलब आप अगर काइनेमेटिक्स पर जाना चाहें तो वहां से भी कर सकते हैं, पर वहां लिमिट बस ये हो जाती है कि अगर गलती से बल वेरिएबल आ गया तो चिथड़े उड़ जाएंगे ढंग से, इतनी सी बात है, बाकी आप कर सकते हैं नो डाउट। ठीक है, होमवर्क में मैं बता देता हूं, ईएलपी में कुछ है नहीं है सच, मैं मॉड्यूल में टिक करवा देता हूं। मॉड्यूल में आप यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में कुछ सवाल करें, क्वेश्चन 51 53 54 55 और 58 59 भी कर ले। और मैंने शायद एक चीज और कही होगी, एक्सरसाइज 3 में भी ढूंढ लेना, ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के सवाल कर लेना कौन से हो सकते हैं कौन से आप नहीं कर पा रहे हो। ओके, थैंक यू।